लंबे पहलवान। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के मामले में सुशील पहलवान लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर 1 लाख रुपए का अब इनाम घोषित कर दिया गया है। 6 साल स्टेडियम में पहलवान सागर की हुई थी मौत, इसी मामले में लेकर अब सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर वही इस वक्त की कोलकाता से सामने आ रही है। जेल में बंद टीएमसी नेताओं की तबीयत बिगड़ी, मदन मित्रा और शोभित चटर्जी की तबीयत खराब, मंत्री सुब्रत बनर्जी की भी सुबह तबीयत बिगड़ी, तीनों नेताओं को अस्पताल में किया गया शिफ्ट। कल सीबीआई ने 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था। बता दें नालंदा केस में लगातार बंगाल में ये टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ सीबीआई की रेड पड़ रही है, जिसके चलते मदन मित्रा और शोभित चटर्जी को भी गिरफ्तार किया था 4 मंत्रियों में, जिनकी तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अब अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से सामने आ रही है। तूफान में डूबा बार्ज P-305 जहाज, 177 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, नौसेना का राहत बचाव कार्य जारी। INS कोची INS कोलकाता राहत कार्य में लगे। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, चक्रवाती तूफान दाऊते को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा था। तूफान में डूबने से 177 लोगों को जहाज डूबा, जिसके बाद 177 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से इस वक्त की सामने आ रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद, बेखौफ लहराए देसी व विदेशी हथियार, कुख्यात सुंदर भाटी के करीबी बताए जा रहे हैं आरोपी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदमाश बेखौफ हैं। हाथों में असलहे लिए हुए हैं बदमाशों ने, रिवॉल्वर्स पकड़ी हुई और बेखौफ इसका वीडियो खुद शूट करके अपलोड किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन का किसी भी तरह का इन अपराधियों पर कोई खौफ नहीं है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवांग शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवांग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये वीडियो जो दिख रहा है और जिस तरह से इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है, तो क्या अभी इस पे क्या अपडेट आ रही है, पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस वीडियो को लेकर? जी देखिए, मैं आपको पूरा बता दूं कि पूरा मामला जो है सिकंदराबाद कोतवाली के अंतर्गत एक गाँव का है, जहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 4 युवक जो है गाड़ी में है और अवैध जो असला है, हथियार है, उनको लहराते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद 3 और आरोपियों की जांच पड़ताल की जा रही है, जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कुख्यात और सुंदर भाटी के करीबी बताए जा रहे हैं, कुख्यात बदमाशी जो सुंदर भाटी है उसके करीबी बताए जा रहे हैं। तो इसकी अभी तक पुष्टि हो पाई है कि क्या ये सुंदर भाटी के करीबी है और उन्हीं के दम पर ये असलहों का लहराते हुए जो वीडियो इनके द्वारा खुद शूट कर अपलोड किया गया था, क्या सुंदर भाटी पर भी कार्रवाई हो सकती है इसके बाद? जी देखिए, आगे जांच का मामला है, आगे जांच के द्वारा पता की जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुख्यात सुंदर भाटी के करीबी बताए जाते हैं ये जो चारों हैं। एक पुलिस ने एक बदमाश को जो है गिरफ्तार कर लिया, बाकी के 3 की जो है और कार्रवाई करने की प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा की शिवांश ने बताया की एक अपराधी को बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी और जो भी लोग इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। हालांकि सुंदर भाटी से जुड़ा हुआ ये कहीं ना कहीं मामला नजर आ रहा है, तो ये देखना अहम होगा कि पुलिस क्या सुंदर भाटी पर भी इस वीडियो को लेकर कार्रवाई करती है। वहीं अगली बड़ी खबर एक और बुलंदशहर से सामने आ रही है। चुनावी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में मारपीट, पथराव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
खानपुर थाना क्षेत्र के गुरावली का पूरा मामला। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों में पूर्व प्रधान के समर्थक और वर्तमान प्रधान के समर्थकों के बीच ये हिंसक झड़प की तस्वीरें आपको हम इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। खानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो चुनावी रंजिश को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ, जिस पर एक दूसरे पर पथराव करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। भाई अगली बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई की मौत, दूसरे भाई की हालत गंभीर, एम्स में भर्ती। पंचायत चुनाव के बाद हुए थे कोरोना संक्रमित। गांव कुटबी से अभी बने थे ग्राम प्रधान। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई की मौत हो गई है, दूसरे भाई की भी हालत गंभीर बनी हुई है कोरोना के चलते, एम्स में भर्ती कराया गया है। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना संक्रमित हुए थे, इसके बाद हालत बिगड़ती देख एम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि एक भाई का निधन हो गया है और एक अभी भी जिसकी स्थिति अस्थिर बनी हुई है लगातार।